हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप लोग सभी। तो इसके पहले मैंने आज मैं फिर से आपको हिंदी में आ की मात्रा बताऊंगी। इसके पहले हमने पढ़ा था क्लास फर्स्ट में, इसके पहले हमने पढ़ा था अ, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आई होप कि आप सभी को वो समझ में आ गया होगा और आपने उसे कंप्लीट भी कर लिया होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी आज आ की मात्रा। आ की मात्रा ये आपने यूकेजी में भी पढ़ी है, आ की मात्रा है ना। तो आपको पेज नंबर 15 पर देखना है आ की मात्रा। तो आ की मात्रा में हम सबसे पहले देखेंगे आओ पहचाने, आओ जाने है ना। तो सबसे पहले हमें पिक्चर क्या दी हुई है, सबसे पहला चित्र क्या दिया हुआ है, आम। तो आम, आप जब बोलोगे आम तो इसमें कौन सी मात्रा आ रही है, आ की मात्रा आ रही है ना। आम बोलो मेरे साथ, आम। आई इसमें आ की मात्रा आ रही है ना। ऐसे आग, आग आई इसमें भी आ की मात्रा। तो ऐसे ही हम आज पढ़ने वाले हैं, आज हम आ की मात्रा के कुछ शब्द पढ़ेंगे और इसे कैसे लिखा जाता है उसे भी मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो इसके लिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं आओ पढ़े। तो आओ पढ़े में आपको कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि मामा, नाना, चाचा, दादा, राजा, कागज, तबला, डाकखाना, बरसात, पाठशाला, टमाटर, ऐसे आपको कई शब्द दिए गए हैं। तो ये शब्द आपको अपनी कक्षा कार्य पुस्तिका में लिखना है, ओके। जैसे आपने अ के बिना मात्रा वाले शब्द लिखे थे ना, वैसे ही आपको ये वाले शब्द भी अपनी CW बुक कॉपी में नोट डाउन करना है। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करें। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम देखेंगे आओ लिखे। आओ लिखे में आपको कुछ इस तरह से दिया है, फर्स्ट आपको दिया है के नीचे हलन प्लस आ प्लस थ, थ के नीचे हलन प्लस अ। अब आपको इसे जोड़कर लिखना है, आपस में जोड़कर लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे इसे, इसके पहले मैंने आपको बताए थे अ की अ वाले शब्द, बिना मात्रा वाले शब्द, वो भी आपने बहुत अच्छे लिखे हैं। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट आ की मात्रा के लिए हम इसे कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ह के साथ, हमें हम ह के साथ आ को लिखेंगे या आ की मात्रा लगाएंगे, इतना तो आपको समझ में आ गया है कि हम ह के साथ आ को नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, ह में आ की मात्रा लगाएंगे। जैसे कि हा, ह में आ की मात्रा हा, ह में आ की मात्रा हा, ह में आ की मात्रा हा, ह में हमने आ की मात्रा लगाई है। अब उसके बाद इतना हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा। अब हम आएंगे थ पर। अब आप देखोगे कि थ पर तो हमें थ के बाद हमें क्या दिया है, अ। लेकिन अ की कोई मात्रा होती है क्या, नहीं होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होगी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, थ। देखो आप थ बोल रहे हो तो अ की ध्वनि आ रही है उसमें, मैं बोल रही हूँ तो आ रही है, आप बोल रहे हो तो आ रही है या नहीं आ रही है, बोलकर देखो, ट्राई करो। थ थ प म, आप जो भी व्यंजन बोलते हो उसमें अ की ध्वनि आती है। जैसे आप लास्ट का बोलेंगे ग्य, ग्य अ आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर आपको दिया है ह आ थ अ, में आपने क्या करा, आ की मात्रा लगाई है और थ को आपने आगे साथ लिखा है, मतलब थ को हमने लिखा है हलन हटाकर, तो वो क्या हो गया, उसमें आ अ मिक्स हो गया है। थ हा
हाथ हाथ। आया समझ में? हाथ। ओके सो ये आपको समझ में आया कैसे करना है? नेक्स्ट नेक्स्ट टू और थ्री आपको खुद से करना है, खुद बिना किसी हेल्प के। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ ही जाएगा, तो आप किसी की हेल्प नहीं लेकर आप पहले इसको बुक में करो, उसके बाद फिर चेक करवाओ, अपनी मम्मा से चेक करवाओ, पापा से चेक करवाओ कि आपने सही किया या नहीं, उसके बाद जो करेक्शन होगा वो आपको बताएंगे। ओके तो ये आपको आओ पढ़े के शब्द, आपे मात्रा वाले शब्द सारे, जो दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले और चार अक्षर वाले दिए हैं, और आओ लिखे, ये आपको अपनी CW कॉपी में लिखना है। ओके तो आया ना आपको ये समझ में? अब इसके बाद नेक्स्ट हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, आप इतना कंप्लीट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 16 पर, जहां आपको रीडिंग आई है, जहां अब हमने अ और आ के बारे में पढ़ लिया है, तो अब वो दोनों मिक्स शब्द हमें आए हैं उसमें, तो वो हम पढ़ेंगे। ओके बाय बाय।